रविवार को क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने ग्राम पंचायत सभागृह में भाजपा कार्यकर्ताओं व नगर वासियों के साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद मन की बात के जरिए देशवासियों को उन्होंने संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का 111 एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वह दिन आ गया जिसे हम सभी लोग से इंतजार कर रहे थे। मैं मन की बात के जरिए एक बार फिर से आपके बीच अपने परिवारजनों के बीच आया हूँ। एक बड़ी प्यारी सी युक्ति है, इदि विदा पुनर्मिलनाय। इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है, मैं विदा लेता हूँ फिर मिलने के लिए। इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजे के बाद फिर मिलूंगा, और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच हाजिर हो गया। बता दें कि मन की बात प्रधानमंत्री मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम है। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने मन की बात सुनने के बाद सहगांव क्षेत्र की जनता की मन की बात सुनी और कहा कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराएं, क्षेत्र में विकास मॉडल को गति कैसे प्रदान प्राप्त हो इसके लिए रोड मैप बनाएं। जनता ने बताया और सांसद ने अपने हाथ से अपनी डायरी में नोट किया और जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता हीरालाल पाटीदार, संतोष राठौर, दिनेश मिश्रा, शांतिलाल चौहान, धीरज मिश्रा, हरिओम यादव सहित कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। पूरे देशवासियों के लिए मन की बात का संदेश रहता है। आज मैंने इस खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा के मैं सेगांव ब्लॉक में हूँ। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ उपस्थित हैं, यहाँ के आसपास के भी हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं और मन की बात को हमने पूरा सुना और निश्चित तौर पर उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद भी किया, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद हम प्रत्येक विधानसभा का एक रोड मैप बना रहे हैं कि 5 साल में हमको कौन कौन से विकास कार्य यहाँ पर करना है, और इसलिए रोड मॉडल टाइप का बना रहे हैं। इसलिए हमने इनसे बातचीत करी, उनसे हमने कुछ पूछा है कि उनको कैसा इस ब्लॉक में काम करना है, उनके मन की बात को हमने जाना और उन्होंने बहुत सारे सुझाव हमको दिए हैं। और निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये के आधार पर और जनता के मन की चीज़ों को साकार करने के लिए हम दोनों पक्ष को मिलकर काम करना चाहते हैं। इसलिए जो उन्होंने बातें बताई है जनता ने, उस जनता को हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पर पहले भी हमने इस क्षेत्र में नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना के माध्यम से इस सेगांव ब्लॉक में पानी पहुंचाया है, मां नर्मदा जी का जल खेतों में पहुंचा है, कुछ गांव शेष हैं वो भी एक बात हमारे सामने आई है। निश्चित तौर पर ये सभी टेक्निकल इशू रहते हैं, तो सभी बातों पर विचार करके एक रोड मैप हम बना रहे हैं। अगले महीने उसको हम जारी करेंगे और इसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा में प्रमुख चीजों को तय करके इन 5 साल में उनको काम को कराएंगे। सेगांव से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।